स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और इस समय मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में, और ये देख सकते हैं आप कुछ ऐसा व्यू मिलेगा यहाँ का इधर। तो ये जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर का मतलब होता है, जंतर का मतलब होता है डिवाइस, डिवाइस का मतलब यंत्र या इंस्ट्रूमेंट, और जो मंतर है उसका मतलब होता है कैलकुलेशन। तो कुल मिलाकर के है कैलकुलेशन ऑफ डिवाइसेस, तो ऐसा कुछ है। और यहाँ जो डिवाइसेस का कैलकुलेशन था वो बेस्ड था एस्ट्रोलॉजी पर, और यहाँ पर जो है प्लैनेट्स और जो है सन मून जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज थी उनके बेसिस पर टाइम का कैलकुलेशन होता था, और सेलेस्टियल बॉडीज की हाइट, एंगल, उनका इंक्लिनेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट होती थी। तो ये जो है यहाँ दिल्ली वाला जो जंतर मंतर है ये 1724 में बनवाया गया था, सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसको बनवाया था जो कि जयपुर के शासक थे। और इस तरह के जंतर मंतर पूरे इंडिया में 5 बने हैं, लेकिन ये दिल्ली वाला सबसे पुराना है, 1724 में बना था। और जो बाकी अदर हैं, एक वाराणसी में है, मथुरा में है, उज्जैन में है और जयपुर में है। यहाँ पर कुल 13 एस्ट्रोलॉजिकल डिवाइसेस हैं जिनके अलग अलग काम हैं। तो चलिए मैं आपको इन 13 में से जो 4 हैं, 4 प्रमुख हैं, तो इन चारों का आपको बताता हूँ, और जो भी होगा दिखाऊंगा भी मैं आपको। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है मिश्र यंत्र, जो कि यहाँ का पहला यंत्र है, जो 13 थे उनमें से हम आ चुके हैं एक के पास, और ये है मिश्र यंत्र, इसको बोलते हैं। और मिश्र का मतलब ही होता है मिक्स करना, मिश्रित जिसे बोलते हैं। तो मिश्र यंत्र ये बना है 5 डिवाइसेस से मिलकर के, इसीलिए इसको मिश्र यंत्र बोलते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है ये अकेला ऐसा यंत्र है जिसको सवाई जयसिंह ने नहीं बनवाया था, बाकी यहाँ जितने भी यंत्र हैं सबको सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और ये जो मिश्र यंत्र आप देख रहे हैं इसका यूज होता था साल का लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे होता था, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता था, यानी लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर यहाँ इससे कैलकुलेट होता था। अब किस तरह से कैलकुलेट होता था वो कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पर, और ना ही कहीं लिखा है इसके बारे में। और यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस बनी हैं अब कोई भी वर्किंग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ये जो भी थी ये शुरुआत के 7 साल ही, यानी 1724 में बना था तो 1731 तक ही वर्किंग पोजीशन में थी, क्योंकि उस टाइम जो यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस होती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ सन और उसकी शेडो के बेसिस पर होती थी। तो इस वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब बन गई तो उसके बाद से शेडो जो है वो परफेक्टली यहाँ पड़ती नहीं थी, तो इस वजह से कैलकुलेशन जो भी आता था वो उतना एक्यूरेट नहीं रहता था जितना कि शुरुआती 7 सालों में होता था। अब देख सकते हैं ये इधर फोटो सेशन चल रहा है, और बड़ी मुश्किल के बाद करीब 10 मिनट खड़े रहने के बाद मैंने थंबनेल के लिए फोटो क्लिक करवाई है, और अभी देखिए अभी भीड़, सब लाइन लगी हुई है फोटो खिंचवाने के लिए इधर। चलिए चलते हैं दूसरे यंत्र की तरफ। ये जो दूसरा यंत्र देख रहे हैं आप, ये मेरे पीछे ये है सम्राट यंत्र, और ये सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र है, यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है, और इसका यूज भी टाइम को मेजर करने के लिए होता था, जो सन की शैडो पड़ती थी उससे यहाँ पर टाइम मेजरमेंट होता था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर शेप का बना है, और ये इसका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। इसके इधर जब सन की शैडो पड़ती थी तो इवनिंग होता था, और इसके उधर वाली जो पड़ती थी वो मॉर्निंग का टाइम होता था, यानी 12 बजे के पहले उधर शैडो पड़ती थी और एग्जैक्ट 12 बजे यानी नून में इसके ऊपर शैडो पड़ती थी। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता था तो ये जो सीढ़ियाँ बनी हैं सीढ़ियों के ऊपर शैडो ऐसे बढ़ती जाती थी, तो इस तरह टाइम मेजरमेंट होता था। और ये जो यहाँ से टाइम मेजर होता था वो 2 सेकंड तक एक्यूरेट होता था, इसमें जो चांसेस ऑफ एरर थे वो केवल माइनस या प्लस 2 सेकंड का होता था आगे पीछे, और जो एक्यूरेट टाइम बताता था वो केवल 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ही ये इंडिया में करेक्ट टाइम बताता था। बाकी ईस्ट में जाएंगे ग्लोब पर, आप वेस्ट में जाएंगे तो उधर टाइम घटता बढ़ता है जिस हिसाब से, हर लॉन्गिट्यूड पर प्लस माइनस 4 मिनट होता है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग तीसरे यंत्र की तरफ, 2 यंत्र हमने आपको दिखा दिए हैं, और ये भैया मेरे साथ हैं। ये अभी जब मैंने बताया कि ये सन की जो पोजीशन है उसके हिसाब से टाइम बताता था तो कह रहे हैं कि ये कौन सी बड़ी बात, मैं खुद बता दूंगा, जब पूछा कितना टाइम है देख के बताओ तो बता रहे हैं 2:15 और हो रहा 3:30। तो ये आ गए हम तीसरे यंत्र की तरफ, और इसका नाम है राम यंत्र। तो इसका जो यूज होता था वो ये था कि जो प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, उसके एल्टीट्यूड को बताता था ये, यानी उसकी हाइट को बताता था कि अर्थ सरफेस से वो कितनी हाइट पर है। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता था वो मैं नहीं बता पाऊंगा, पता ही नहीं है कुछ इसके बारे में। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ये सर्कुलर शेप का पूरा बना हुआ है और ओपन एयर है, देख सकते हैं ऊपर से पूरा खुला हुआ है, और अंदर से अगर मैं दिखाऊं तो जैसे साइकिल के टायर में रिम और तीलियां होती हैं वैसा कुछ स्ट्रक्चर बना है। तो चलिए ये देखिए आप यहाँ पास से, ये देख सकते हैं आप कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है इसका ये, और ये कहते हैं कि जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके ठीक पैरेलल ये जो पोल बना हुआ है
और ये जो सामने आपको ये पोल दिख रहा है, ये पोल और ये जो ये चक्र में ये रिम जैसा तीलियां बनी है, इनकी हाइट सेम है, जितना वो ऊंचा पोल है उतना ही ये भी है, इनकी लेंथ दोनों की सेम है। फिर तीन स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिए हैं, चलिए अब चौथे की तरफ चलते हैं। बाकी इधर ग्रीनरी है, पार्क है और सभी लोग सेल्फी वेल्फी करवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, और मतलब कोई किसी को दिलचस्पी नहीं है। दो तीन लोगों से मैंने पूछा, किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस खाली फोटो खिंचवा रहे हैं। तो आइए चौथे की तरफ चलते हैं, आप देखते हैं क्या है। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये षष्ठमाशम यंत्र है इसका नाम है, और इससे जो कैलकुलेट होता था वो सन की हाइट, सन का रेडियस और सन का डायमीटर इससे कैलकुलेट होता था। तो ये ऐसा कुछ है, दीवाल जैसा बना है, कुछ खास दिख नहीं रहा है, अब पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते थे उस टाइम पर। तो यही था चौथा यंत्र, बाकी और भी हैं लेकिन यही चार इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर, तो चारों मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो जंतर मंतर ये जो है, इसकी एंट्री फीस की बात करें तो अगर आप ऑनलाइन पे यहाँ कर सकते हैं, वो QR कोड है तो स्कैन कर सकते हैं, तो वहाँ पर 20 रुपये चार्ज पड़ेगा, और अगर 15 साल या उससे कम के लोग हैं तो उनका फ्री में एंट्री हो जाएगा। अगर 15 साल से ज़्यादा हैं तो 20 रुपये अगर ऑनलाइन पे करते हैं, तो अगर ऑफलाइन काउंटर से टिकट लेते हैं तो 25 रुपये पर पर्सन पड़ता है। और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो है वो 12 खंबा रोड है, तो 12 खंबा रोड से ये करीब 700 या 800 मीटर की डिस्टेंस पर है, और आप बाई वॉक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर इस पे ओपनिंग टाइम की बात करें तो ये सनराइज से सनसेट तक ओपन रहता है, लेकिन जो विजिटिंग आवर्स है वो मॉर्निंग में 9:30 से लेकर इवनिंग में 5:30 तक ये ओपन रहता है, और वीक के 7 डेज ये ओपन रहता है, किसी भी दिन ये बंद नहीं रहता है। तो ये कुछ थी यहाँ के बारे में, और बाकी ठीक है, 25 रुपये मतलब किस लिए ले रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ है नहीं यहाँ पर। इससे बढ़िया बढ़िया चीज़ों के लिए 5 रुपये एंट्री फीस पड़ती है बहुत जगह, यहाँ 25 ले रहे हैं, ठीक है। मतलब बस इतना ही था, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और फिर से मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।